ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। रहना कहाँ है हमको? गृहस्थ व्यवहार में, और सबसे तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, फिर क्या करेंगे? लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। जैसे कमल का फूल अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ कीचड़ में रहता है, उसका सारा परिवार भी कीचड़ में रहता है, परंतु वो उस कीचड़ से न्यारा रहता है। ऐसे ही हमें भी परिवार के साथ रहना है, संबंधियों के साथ रहना है, परंतु उनसे न्यारा रहना है। जितना जरूरी है उनके साथ, बाबा की श्रीमत के अनुसार उनसे मिलना गिलना है, और जहां बाबा की श्रीमत आड़े आए वहां न्यारा हो। ये मर्यादा जो है जरूर हमें धारण करनी है। तोड़ निभाने का मतलब भी कई भाई बहन ले लेते हैं, बाबा कहता तो है कि तोड़ निभाना है, पर तो तोड़ निभाना है। हम पहली बात है कि निभाएंगे भी तब तक जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट है। जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, हम उससे 1 सेकंड फालतू उनके साथ निभा नहीं सकते, 1 सेकंड फालतू निभा नहीं सकते। और हमने अब बाबा की श्रीमत के आधार पर मर्यादा रखते हुए उनके साथ निभाना है, फालतू जिसके लिए बाबा ने मना किया है वो हमने व्यवहार में लाना ही नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना, अब ध्यान में रखेंगे तो हर कल्प के लिए वो ध्यान में हो जाएगा। प्रश्न, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? तो वाह वाह कैसे निकलेगी? तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? विजय का डंका अंत समय में बजेगा। विजय तो लास्ट में होगी ना, अभी तो हम सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अभी तो हमारा कोई विजय का डंका बजने वाला नहीं है। रिजल्ट निकलेगा जब हम विजयी होंगे, तब विजय का डंका बजेगा। अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। कब बैठती है माया की ग्रहचारी? जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते हम बाबा की श्रीमत पर? इसमें मेन कारण होता है हमारा कार्मिक अकाउंट। हम बेशक ज्ञान में आ गए हैं, यदि हमारा किसी से कार्मिक अकाउंट गलत है तो माया आके हमसे गलती कराएगी। माया आकर हमसे गलती कराएगी, परंतु बाबा कहते ये स्मृति रहे, ये स्मृति रहे कि अब मैंने गलत किया तो कल्प कल्प के लिए गलत हो जाएगा। ठीक, आप अपनी तरफ से फुल अटेंशन दो कि आपसे कोई गलती ना हो।
और यदि हो गई, अब हो गई है तो वापस हो नहीं सकती, ठीक है नहीं, तो इसको ड्रामा कहकर आगे चलो, रुको नहीं, ठीक है नहीं। हमारे पास ग्रहचारी बैठने के हमें दो कारण समझ में आते हैं, एक तो हमारा कार्मिक अकाउंट है, अब जैसे बाबा का बच्चा अच्छा भला ज्ञान में चलता, उसे पैसों का लालच आ गया, किसी ने उसको कहा कि विदेश जाने वाले लड़के लाओ, आपको इतनी कमीशन मिलेगी, अब उसने विदेश में भेजना के लिए लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वो क्या जरूरत है, जो विदेश जाने वाले हैं हम आपके बच्चे को विदेश भिजवा देते हैं, इतना पैसा लगेगा, वो पैसा दे देते, अब वो आगे पैसे दे देता, आगे वाले फ्रॉड थे, आगे वाले फ्रॉड थे, ना तो उन्होंने किसी को भेजा और पैसे लेके मौज कर रहे, अब जेल में तो ये जाएगा, अब इसने जेल में जाना हो तो उस लालच में फंसा ना, तब तो जेल में गया, लालच में ना फंसता तो क्यों जेल में जाता, नहीं? तो इसलिए हमें बाबा की श्री मत को फॉलो करना है, हमें लालच में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, काम विकार क्रोध विकार कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, परंतु हो जाए तो ड्रामा कहकर आगे बढ़ना है, पहले ड्रामा नहीं कहना, पहले ड्रामा नहीं कहना, पहले तो आपके हाथ में था प्रेजेंट, आपके हाथ में प्रेजेंट था, आपने अपने प्रेजेंट को यूज नहीं किया, आपने वो प्रेजेंट बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, अपनी मत पर चले या दूसरों की मत पर चले, तो गलती कर दी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो हमें ग्रहचारी कब बैठती है, जब हमारा कार्मिक अकाउंट खराब है, ठीक है नहीं। और फिर ग्रहचारी बैठना बंद हो जाए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारा किससे रहा ही नहीं, मान लो विनाश में अभी 20 दिन है, पर तो आपका किसी के साथ काम विकार का अकाउंट नहीं है, तो आपका काम विकार का अकाउंट क्या हो जाएगा, मर्ज। अच्छा अब 10 दिन रह गए, आपका किसी के साथ क्रोध का नहीं है, तो आपको क्रोध आएगा थोड़ा, तो क्रोध क्या हो गया, मर्ज हो गया, लोभ का मर्ज हो गया, मोह का मर्ज हो गया, मतलब जब उसका हिसाब किताब नहीं रहा तो वो विकार क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जब तक कोई वैसा कार्मिक अकाउंट ना आए, समझ में आया, तो बंद हो जाएगा, सदा लाइन क्लियर रहेगी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा उसकी लाइन क्लियर होगी, गलत हुआ ही नहीं, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट, विजय का डंका बजेगा, फिर लाइन क्लियर होगी, तब वाह वाह निकलेगी, जो जीतेंगे उनके लिए वाह वाह निकलेगी ना, जो हारेंगे उनके लिए थोड़ा वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं, तीन पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते, अरे वो समय था कि बहने जाती थी दरवाजे बंद हो जाते, कोई गलती से किराए पर दे भी देता था, सारा मोहल्ला खड़ा होकर उसको खाली करवा देता था, ब्रह्मा कुमारियों को नहीं देता, इनको किराए पर भी मकान नहीं दे, हाँ वो सफेद, हाँ क्योंकि वो समझते कि विधवा पहनती, हाँ बंद, क्योंकि वो समझते सफेद वस्त्र विधवा पहनती है, सवेरे सवेरे विधवा के दर्शन नहीं करने,
उनको नहीं पता ये तो सबसे बड़ी सदुवा है, ये तो सबसे बड़ी सुहागिन है, उनको नहीं पता ना बेचारे। तो लेकिन वे भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे, वो भी टाइम आएगा कि तुम सारे बच्चे क्या होंगे, विश्व के मालिक होंगे। गीत, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए की आए। बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुख दाम है। वास्ट डिफरेंट है, अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ, ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। अब हम किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने लिए आया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हो, क्या हो जाते हो, सन्यासियों मिसल। क्या करते हैं सन्यासी, बस विराग आया, घर बार छोड़ा, जंगल में चले गए, अब तुम जियो मरो कुछ, खाना खाओ ना खाओ। अब बच्चे पैदा किए उसको मां पाले, खुद सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होके चले, और फिर मधुबन में आकर एक बोला कि हमने सन्यास लिया था भगवान को पाने के लिए, थोड़ा सा चमत्कार दिखाया, लोग हमारे ऊपर कुर्बान हो गए, अब हम उनके गुलाम हो गए, अब फलाना सेठ आएगा उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, फलाना सेठ आएगा क्योंकि उन्होंने बड़े अखाड़े बनवा दिए, पैसे दिए उन्होंने, अब उन्होंने पैसे देकर खरीद लिया ना, अब फलाना सेठ आना है उसके लिए व्यवस्था करनी है, फलाना सेठ आना है उसके उनकी चाकरी में, और ज्यादा की चाकरी में फंस गए, चार पांच की चाकरी छोड़ करके और ज्यादा की चाकरी में फंस गए, तो सन्यासी मिसल हो गए ना, घर बार छोड़कर अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, वे तोड़ नहीं निभाते, वो तोड़ नहीं निभाते, तो उनको निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वे है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं, भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता, भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रलब्ध पाते हो। उनका है हद का सन्यास और हठ योग, तुम्हारा है वे हद का सन्यास और राजयोग। वे तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं, वे तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच को ही कहेंगे, ऊंचते ऊंच को ही कहेंगे।
श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वे हद का बाप है ही वे निराकार, वे हद का बाप है ही वे निराकार, वे हद की बादशाही वही दे सकते हैं जहां ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती, यहां ग्रस्त में व्यवहार करने से नफरत नहीं की जाती। तो बाबा कहते तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, सारे आपस में भाई भाई हो, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, बाबा की श्री मत पर चलो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, रहो ग्रस्त व्यवहार में परंतु बनो पवित्र। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कह सकते, सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव, उनको याद करते हैं, वे भी पावन दुनिया चाहते हैं परंतु ये नहीं जानते कि वे दुनिया ही एक और है। पावन दुनिया वो एक और दुनिया है, ये दुनिया है ही नहीं, जबकि वे ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। सन्यासी जो ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहते तो वो देवताओं को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि देवताएं तो सारे गृहस्थी हैं, सारे देवी देवताएं क्या है गृहस्थी, गिरी हुई हस्ती हैं, तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वे कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सकते। देवता भी तो बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होते हैं, जो दुनिया वाले देवी देवताएं हैं जो फर्जी हैं नकली हैं उनके भी बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे दिखा दिए, गणेश को भी बच्चे दिखा दिए और हनुमान को भी बच्चे दिखा दिए, किसको दिखाए नहीं। हाँ हाँ जी, शादी थोड़ा की थी, बच्चे तो कर सकता है बिना शादी के। हाँ पसीना गिर जाता है मछली ले लेती है और मकर ध्वज पैदा हो जाता है, हनुमान का बेटा मकर ध्वज मछली से पैदा हो गया, पसीना तो गिर सकता है ना, वो कर सकते, शादी करे ना करे उनके बच्चे होते। सभी देवी कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसकी शादी ना, हाँ कर ले। ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते हैं, ये समझने की बातें। राजयोग सिर्फ कौन सिखला सकते हैं, शिव बाबा, और कोई सिखला नहीं सकते। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखित में सभी को देना है, वहां तो मत भेद हो जाता है, लिखित में होगा तो सभी समझ जाएंगे इन्हों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते, हम ब्राह्मण कुल के हैं हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, वह विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए ना कर देते हैं कि हम नहीं है, हम है आस्तिक, हम है आस्तिक, वे हैं नास्तिक, वे है ईश्वर को ना मानने वाले,
हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है, जो बाप को नहीं जानते वे नास्तिक, जो बाप को नहीं जानते वे नास्तिक है। तो बाप ही आकर आस्तिक बनाएंगे, बाप को का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है, बाप का बनेंगे तो बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुहे बात है, ये बड़ी गुहे बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है, पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान कौन है? परम पिता, परम आत्मा शिव। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना, कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने धर्म को क्या हो गया है, भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है, अपना धर्म भारतवासियों को भूल जाएगा, तब तो फिर बाप आकर क्या करे, स्थापना करे। यदि वो भूले नहीं तो फिर धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा कैसे आए, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता, तब मैं आता हूं। प्राय लोप जरूर होना ही है, प्राय लोप होना जरूर है। कहते हैं ना बैल की एक टांग टूट गई, कहते हैं ऐसा, सुना है ऐसा कभी कि बैल की टांग टूट गई? कहते हैं क्या है, चार स्तंभ तो योग के है ना, राज योग के चार स्तंभ बता रहे हो, कलयुग के चार क्या है, चार युग है ना ये तो, परंतु तीन टांग एक टांग टूट गई का क्या मतलब, कब आया है एक टांग टूट गई, कभी आया है यहाँ जिक्र हुआ है एक टांग टूटने, कब टूटी, क्यों टूटी? ये कहा जाता है कि सतयुग में धर्म रूपी बैल चारों टांगों पर खड़ा था तो स्वर्ग था, बैलेंस्ड था, संतुलन बना हुआ था। जब त्रेता शुरू हुआ तो एक टांग टूट गई। एक टांग टूटने का मतलब एक चौथाई चरित्र खत्म हो गया, एक हिस्सा चार हिस्से ना, चार हो गए तो एक हिस्सा करैक्टर खत्म। आत्माएं जो 100% वाली थी वो 75% से नीचे आ गई, समझ में आ गया। और जब द्वापर शुरू हुआ तो धर्म रूपी बैल की दो टांगे टूट गई। तीन टांगों पर रहता था तो इसे त्रेता युग कहा गया, दो टांगों पर आ गया तो द्वापर युग कहा गया। दो पुण हो गए, 50-50 हो गए, 50% अपवित्रता 50% पवित्रता रह गई। कलयुग में आकर एक ही टांग रह गई थी, कलयुगी बैल एक टांग पर घिसटता घिसटता अब बेचारा मरने वाला है,
रहने, और उसके बाद पुनः फिर सतयुग की स्थापना हो जाए। हां जी, इसका भी खत्म, द्वापर खत्म और वो भी खत्म, चौथा भी खत्म। हमारे लिए तो चौथा भी खत्म, बाकी तीन टांग पर खड़ा है तो मुख्य है ही चार धर्म, मुख्य है ही चार धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन। अभी देवता धर्म की टांग टूटी पड़ी है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी टांग क्या हो गई है, टूटी पड़ी है, यानी वे धर्म गुम हो गया है, प्राय लोप हो गया है, इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है, इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां कितनी खड़ी है, तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही, देवता धर्म है ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ है, कोई कहे कि मैं सनातन धर्मी हूं उसे क्या लिखेंगे, हाँ जी, हिंदू। आप कहोगे मैं सनातन धर्मी हूं, वो लिखेंगे हिंदू, उनके पास सनातन धर्म वाला कॉलम ही। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है, बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो, अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है, सारा झाड़ क्या हो गया है, पुराना हो गया है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, कलयुग के बाद सतयुग भी जरूर आना है, चक्र को फिरना जरूर है, ये चक्र तो जरूर फिरेगा, बुद्धि में ये रखना है, अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे, कहां जा रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, चाहे चल रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे बैठे हो, कैसे क्या याद रहे, अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए क्या करो, मन मना भाव मध्याची भाव का यही अर्थ है, मध्याची भाव का अर्थ भी यही है, मन मना भाव का अर्थ भी यही है, अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भाव का अर्थ वापस घर जाना कैसे हुआ, मन मना भाव अपने मन को बैठकर मनाना है कि बाबा हमें वापस घर जाना है, बाबा से जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की जो श्रीमत पर चल रहे हैं, उसका रिजल्ट यही है ना कि हमें घर जाना है, घर जाने से पहले मध्याजी भाव अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करना है, विष्णु चतुर्भुज बनना माना सतयुग के लायक बनना, यदि विष्णु चतुर्भुज नहीं बने तो सतयुग में आने वाले नहीं, चाहे सतयुग में कभी भी आए पर तो उनको विष्णु जरूर बनना, विष्णु समान
जो चारों अलंकार हैं, जितने चारों अलंकार अच्छी तरह धारण करेंगे उस अनुसार उनकी मेरिट बनेगी। उनकी मेरिट बनने का आधार है विष्णु चतुर्भुज चारों अलंकारों को कितना अच्छी तरह उपयोग में लाए। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परम आत्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। तो पाप खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हैं सदगति के लक्षण, ये हैं सदगति के लक्षण। जब हमारे अंदर ये गुण आ जाए तो समझो कि हमें सदगति मिल गई। ये कौन देते हैं? शिव बाबा देते। उनके फिर लक्षण क्या है? उनके लक्षण क्या है? हमें ये लक्षण देते हैं। उनके पास लक्षण क्या है? वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। उसके हर गुण को सागर के साथ कंपेयर करते, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि अब सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं प्रजा पिता ब्रह्मा की ही औलाद होते। समझ में आया? प्रजा पिता के ही औलाद होते हैं सभी आत्माएं। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजा पिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है, प्रजा पिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। वो लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है, पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग, ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब है शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का राजकुमार है, वे है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप।
कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते, सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी ही, बाप की महिमा अपनी है, वे सदैव नहीं, वे सदैव पूज्य। बाबा जो है सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले आ जाते हैं, वे पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है, एग्जीबिशन में कितने आते, परंतु कोटो में कोई ही निकलते, कोटो में कोई ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है, राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है, पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए, पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाए थे, सतयुग में भी बहुत महाराजाए होते हैं। ये सतयुग में हो लेकर चला आया, ये सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं का काम है, राजाओं को कब, ये है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। ये तो वंडरफुल बातें हैं, ना और कोई जगह ये बातें हैं नहीं, ये बातें हैं नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बाप समझाते हैं चलते चलते, ऐसे समझो कि हम एक्टर्स हैं। अब हमको वापस घर जाना है, ये याद रहे, इनको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते, बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूं। ये है रूहानी यात्रा, ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ना सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है, ये भारत होलीएस्ट लैंड है, ये भारत क्या है, सबसे पवित्र धरती है। सर्व का दुख हरता सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। ये भवे बाप और सुख करता सबका सदगति दाता, वे बाप सबका सुख हरता सुख करता, सबका लिबरेटर गति सदगति दाता है।
उनका यहाँ भारत में बड़े ते बड़ा तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है, गांधी को भी जानते हैं, समझते हैं, वो बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते, लाखों रुपया क्या करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं, ये राज्य ही अलग है, ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं, ऐसी बातें तो है नहीं। यहां तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, यहां तो हम कहां है, युद्ध के मैदान में है, जहां हमें माया पर जीत पानी है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे, ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं, राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं, वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्व शक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं, सबसे ज्यादा आदमशुमारी क्रिश्चियन लोगों की। वे चाहें तो सब पर जीत पा सकते, सारे विश्व पर जीत पा सकते। अमेरिका वाले भी क्रिश्चियन, रूस वाले भी क्रिश्चियन हैं, दोनों ही क्रिश्चियन, परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत। परंतु वे विश्व के मालिक बने, ये कायदा नहीं, ये कायदे में कानून नियम नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो, इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उनों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु तीन धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर के बैठ, सबको हाथ करके बैठे। ये भी ड्रामा बना हुआ है, उनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी दो डिब्बे में लड़ भिड़े, मतलब कहानी भी है कि दो बिल्ले लड़े, मक्खन किसको मिल गया, बीच में तीसरे को मक्खन मिल गया। तो वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, कहानी तो पाई पैसे की है, पैसे तो कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमझ है, मनुष्य
कितने बेसमझ है, एक्टर होते हुए भी, क्यों बेसमझ है, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते। कल मैंने कौन सा सीन शुरू करना है आज उनको नहीं। ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं, समझते भी गरीब हैं। समझते कौन है इसको, जो गरीब हैं। सौकार लोग कुछ भी नहीं समझते, सौकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप आया गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में वो पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं में तुमको समझाना है, विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलता रहे, निकलेगी धीरे धीरे, फिर वाह वाह निकलेगी। लास्ट मूवमेंट में डंका बजना है, अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती उतरती आई। लाइन क्लियर नहीं है, ग्रहचारी की भी लाइन क्लियर नहीं है, लाइन क्लियर नहीं, विघन पढ़ते रहते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार पढ़ते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है, अभी का ये गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं। क्या पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने, विश्व के मालिक बने। तो हम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं करना है, अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ड्रामा के प्लान अनुसार पट्टे पर खड़ा होना है। हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते चलते सुखदा अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले में, ऊंच पद पाले में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है, बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं। हम यात्रा पर हैं, सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज का वरदान डबल संगम युग पर परश्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करना वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी हैं। संगम युग परश्रेष्ठ मत द्वारा
कोई और श्रेष्ठ मत दे देवे और वो क्या हो, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करे, क्योंकि श्रेष्ठ मत मिल जाए तो श्रेष्ठ गति मिलेगी और वो प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बने, अब के झूठे फलों के नहीं, तो 100% पवित्र फल भी उनको उपलब्ध होंगे, उसके वो अधिकारी बनेंगे। संगम युग पर श्रेष्ठ मत है के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसको कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल आदि अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है, इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मर जीवा में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते, आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का आधार बनता। तो तुम्हें प्राप्ति अभी अभी की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको कहा जाता है रचयिता और रचना के, रचयिता और रचना से माया से माया, उसको कहा जाता है रचयिता का रचना से सच्चा प्यार, रचयिता का रचना से सच्चा प्यार है। स्लोगन है दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते ही संपन्न बनते हैं। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।